वेलकम डियर फ्रेंड्स, तो एक और वीडियो के साथ उपस्थित हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने होते हैं। तो डूज एंड डोंट्स के कल एक नए एपिसोड के साथ हम उपस्थित हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। इन केस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस व्हाट आर देयर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स। तो पहला पॉइंट है इंश्योर फॉलोइंग फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स। तो वीवीपैट्स और ईवीएम के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि फॉलोइंग फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स। वाइट स्टिकर ऑन ईवीएम्स वीवीपैट्स फॉर द पीसी। पिंक स्टिकर्स और ऑन ईवीएम्स और वीवीपैट्स फॉर द एसी। ये ध्यान रखना होगा। अब यहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूज हो सकता है कि एसी क्या है, पीसी क्या है। पीसी फॉर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी और एसी फॉर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। इंश्योर मतलब ये पॉइंट्स वो समय है जब एक साथ दोनों जगह इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स में जैसे उड़ीसा में एक साथ इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। इंश्योर दैट द डिजिग्नेटेड सेट ऑफ बीयू सीयू एंड बीयू पैट्स फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आर करेक्टली इंटर कनेक्टेड एज पर द their address tags. In case of simultaneous elections, ensure that on the green paper seal fixed in the control unit for Lok Sabha elections, only the candidates for the Lok Sabha elections or their polling agents as are present affix their signatures, and similarly on the green paper seal fixed in the control unit for legislative assembly elections, the candidates for assembly elections for their polling agents alone affix their signatures. अब ये सारे पॉइंट जो है ना साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए, इसलिए हमारे लिए बहुत वैलिड नहीं है, लेकिन इसका जो कि एक श्रृंखला बन रही है इसलिए मैंने पढ़ दिया इसको। डिस्कनेक्ट द ब्लूज एंड वी पैड्स बी यूज एंड वी वी पैड्स फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट एंड द सील देम इन द रिस्पेक्टिव कैरिंग केसेज। ये तो कॉमन पॉइंट है। कैरिंग कलर कोडेड envelopes to seal all the requisite materials for both the elections. हमारे लिए केवल पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात है भी। डोंट्स में देखते हैं, डोंट सेंड अवे इलेक्शंस विदाउट अलाउिंग देम टू कास्ट देयर वोट्स इन बोथ द ईवीएम्स। चलो ठीक है, ये चूँकि पार्लियामेंट्री और असेंबली कंस्टिट्यूंसी दोनों है, इसलिए आप उसको इंश्योर करें कि दोनों में वोट करें। चलिए, ये हमारे लिए जरूरी है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए। डोंट पैक द पेपर्स ऑफ बोथ द इलेक्शंस टुगेदर, ठीक है। डोंट मिक्स अप द कैरिंग केसेज ऑफ ऑल यूनिट्स एंड प्लेसेज देम इन देयर रिस्पेक्टिव केसेज विद द इलेक्शंस आइडेंटिटी लेवल फॉर्मली पेस्टेड एंड एड्रेस टैग्स फिक्स्ड। अब ये एड्रेस टैग्स वगैरह फिक्स करने की बात है तो सब सारे इलेक्शंस में कॉमन होंगे। अभी स्पेशली ये जो पॉइंट्स है वो जब दोनों एसी और पीसी असेंबली कंस्टिट्यूंसी और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए पॉइंट्स थे, दिल्ली में जो भी इलेक्शन हो उसके लिए बहुत वैलिड नहीं है। कुछ पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट थे। चलिए हम अगला पॉइंट्स हम देखते हैं। ये हमारा टॉपिक होगा हैंडलिंग ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स एट वेरियस पॉइंट्स। अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा बहुत, तो देखते हैं। पहले डोंट्स में है, इसमें क्या क्या हमको नहीं करना है। ड्यूरिंग डिस्पर्सल डोंट फॉरगेट टू इंश्योर दैट द ईवीएम्स एंड वीवीपैट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन फॉर विच इट हैज़ बीन अलॉटेड। डोंट फॉरगेट टू इंश्योर that the EVMs and VPAT is related to the particular polling station for which it has been allotted. ठीक है, पहला पॉइंट डोंट में ये। डोंट टेक अवे एनी EVM and VPAT units to any unauthorized place like residence, market, etc. चलिए इतना तो सबको समझ में आ गया। डोंट रिपीटेडली स्विच ऑन एंड ऑफ द VPAT मशीन एज इट विल डिप्लीट द बैटरी एज वेल एज पेपर रोल कॉजिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पोलिंग प्रोसेस। बार बार ऑन एंड ऑफ नहीं करना है जिससे कि ये बैटरी पर असर पड़ेगा और वो पोलिंग प्रोसेस में डिले हो सकता है, कुछ और परेशानियाँ आ सकती है। डोंट फॉरगेट द स्विच ऑफ द कंट्रोल यूनिट वाइल कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग द ईवीएम्स यूनिट्स एंड वीपैड्स। ऑन और ऑफ ऑफ पोजिशन में ही सारा कनेक्शन करेंगे और डिसकनेक्शन करेंगे, ऑफ पोजिशन में ही सारा कनेक्शन करें। डोंट फॉरगेट द टू स्विच ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड वाइल कनेक्टिंग द डिस्क एंड डिसकनेक्ट।
कनेक्ट करते समय भी ऑफ और डिसकनेक्ट करते समय भी ऑफ द ईवीएम मिट्स एंड वी पैड। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट पुल द केबल ऑफ बैलेट यूनिट एंड वी पैड मशीन वाइल डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से डिसकनेक्ट करते समय केबल यूनिट्स को पुल ना बैलेट यूनिट एंड वी पैड मशीन्स। डोंट पुल द केबल ऑफ बैलेट यूनिट्स एंड वी पैड मशीन्स वाइल डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसमें खींचना नहीं है उसको। डोंट स्विच ऑन द वी पैड एट टाइम ऑफ डिस्पर्सल। ठीक है, डिस्पर्सल के समय में उसको स्विच ऑन मत करें। डोंट मतलब ट्रांजिट के समय कुछ भी नहीं करना है, तो उसको ऑफ मोड में जाना है। वी पैड का जो है हॉरिजॉन्टल में रहेगा और उसको ऑफ में रहेगा। डोंट कनेक्ट बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड वी पैड मशीन ड्यूरिंग द डिस्पर्सल। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। डोंट स्टे एट द प्लेस अदर देन द डिजिग्नेटेड प्लेस। और दूसरी जगह पर नहीं आराम करना है, रहना है, केवल जहाँ स्थान दिया गया वहीं रहना। डोंट रिमूव एनी सील फ्रॉम बी यू सी यू एंड वी पैड। किसी भी सील को रिमूव मत कीजिए बी यू सी यू और वी पैड के। डोंट यूज व्हीकल अदर देन प्रोवाइडेड बाई आर ओ एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सल एंड रिटर्न। डोंट यूज व्हीकल अदर देन प्रोवाइडेड बाई आर ओ एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सल एंड रिटर्न। ठीक है, दूसरी व्हीकल का प्रयोग नहीं करना है। ड्यूरिंग मॉक पोल क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ड्यूरिंग मॉक पोल, इसको देख लेते हैं। डोंट स्टार्ट मॉक पोल इफ नो और वन इलेक्शन एजेंट इज प्रेजेंट। वेट फॉर 15 मिनट्स। डोंट स्टार्ट मॉक पोल इफ नो कोई भी नहीं हो और वन इलेक्शन एजेंट और केवल एक इलेक्शन एजेंट हो उस समय मत करें। वेट फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स इंतजार करें, नहीं आएंगे इसके अंदर कर लेंगे। डोंट स्टॉप मॉक पोल विदाउट कास्टिंग एटलीस्ट 50 वोट्स। 50 वोट्स कास्ट करें तभी मॉक पोल होगा, मॉक पोल तभी वैलिड माना जाएगा। डोंट कीप बी यू सी यू एंड वी पैट ऑन वन टेबल फॉर मॉक पोल। कीप बी यू वी पैट एट वोटिंग कंपार्टमेंट एंड सी यू तो पोलिंग ऑफिसर के पास होगा। डोंट फॉरगेट टू कास्ट एटलीस्ट 1 वोट टू ईच कैंडिडेट बटन इंक्लूडिंग नोटा ड्यूरिंग मॉक पोल। डोंट फॉरगेट टू कास्ट एटलीस्ट 1 वोट टू ईच कैंडिडेट बटन इंक्लूडिंग नोटा ड्यूरिंग मॉक पोल। डोंट लीव एनी मॉक पोल स्लिप इनसाइड द व्यूपैड स्लिप कंपार्टमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉक पोल ऑन द पोल डे। ठीक है, डोंट लीव एनी मॉक पोल स्लिप, मॉक पोल स्लिप कोई भी जो वी पैड के अंदर नहीं होनी चाहिए, कमांड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉक पोल ऑन पोल डे। डोंट फॉरगेट टू डिलीट मॉक पोल डेटा फ्रॉम द सी यू बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक्चुअल पोल। ठीक है, कोई भी जो है उसको क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू डिलीट मॉक पोल डेटा फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक्चुअल पोल। डोंट कीप मॉक पोल वी पैड स्लिप्स अनस्टैम्प्ड इन द ब्लैक इनवेलप। ब्लैक इनवेलप जो मिलेगा उसमें वी पैड से जो स्लिप निकालेंगे उसको पीछे सील लगाना जरूरी है और सिग्नेचर करना भी जरूरी है, एजेंट का भी सिग्नेचर करवा लीजिएगा। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू टैली ईवीएम काउंट्स विद द वी पैड स्लिप्स काउंट ड्यूरिंग मॉक पोल। इसको काउंट करना जरूरी है, मैच करना जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू फिल मॉक पोल सर्टिफिकेट इन पार्ट वन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट। डोंट स्टार्ट एक्चुअल पोल विदाउट सीलिंग रिजल्ट सेक्शन ऑफ सी यू एंड ड्रॉप बॉक्स ऑफ वी पैड्स एंड टेकिंग सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स। डोंट स्टार्ट एक्चुअल पोल आप तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि जो रिजल्ट सेक्शन है सी यू और ड्रॉप बॉक्स ऑफ वी पैड एंड टेकिंग सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर लेना जरूरी है, जितने भी स्लिप्स हैं उसके ऊपर और जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी, सारा कुछ करने के बाद ही आप एक्चुअल पोल स्टार्ट करेंगे। तो एक बार देख लेंगे, डोंट स्टार्ट एक्चुअल पोल विदाउट सीलिंग रिजल्ट सेक्शन ऑफ सी यू। कंट्रोल यूनिट को सील करेंगे, उस पर उनका सिग्नेचर भी होता है, स्पेशल टैक्स के पर्ची मिलती है। एंड ड्रॉप बॉक्स ऑफ वी पैड्स एंड टेकिंग सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कैसे ईवीएम को हम हैंडल करेंगे, वी पैड को हैंडल करेंगे वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम्स में। ठीक है, थैंक यू।